हाँ आ रहा है लाइव, हो गया हो गया। कहाँ का भाई साहब ये? बकरू के लिए बोला, बकरू की भाई साहब इसको एक मिनट। हाँ भाई हाँ हाँ आप चालू करो। हाँ लो लो भाई साहब, एक खड़ा कर लो इसे। ये देख रहे हैं मुख्य आरोपी और उस व्यक्ति ने बताया कि एक स्कॉर्पियो में लोग आए थे, उन्होंने उसका अपहरण किया था और उस स्कॉर्पियो का पीछा करते हुए पुलिस यहाँ पर आई। ओमेक्स सिटी के ये फेज थ्री का ये बिल्डिंग का इलाका है, शंकरा रेजिडेंस ये इलाका है। यहाँ पुलिस ने इन कमरों की तलाशी ली, उसमें तीन बंधक बनाए हुए व्यक्ति पाए गए, जो एक बीकानेर का, आंध्र प्रदेश का और एक महाराष्ट्र का है। और ये जो आरोपी है, इन आरोपियों में सबसे पहले एक व्यक्ति को पुलिस ने दबोच लिया, उसके साथ बाकी अन्य भी आरोपियों को पकड़ लिया। क्योंकि ये करीब 11 मंजिल की बिल्डिंग है, 10-15 फ्लैट हर बिल्डिंग मंजिल पर है। ईआरटी की मदद ली गई, इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो एटीएस में कार्यरत है उसके द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हर कमरे का लिया गया, हर कमरा, किचन, बाथरूम, टॉयलेट का लिया गया। छत पर जो टंके थी, पानी के टाके बने हुए हैं, उसमें तीन आरोपी वो भी मिल गए। अन्य आरोपी जो संभावित है उनकी तलाश के लिए ये राइट साइड की बिल्डिंग की तलाशी ली जा रही है। इन सात आरोपियों के साथ एक महिला भी मिली है, ये आरोपियों की साथीदार है। और इन आरोपियों को इन बिल्डिंग्स में रहने का कैसे परमिशन मिली ये भी, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। जिन्होंने, जिम्मेदार व्यक्तियों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन इनको पना दी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इन तीन व्यक्तियों को क्यों बंधक बनाया गया था, असली कारण क्या था, एक्सटॉर्शन था या इन्वेस्टमेंट था या बिटकॉइन ठगी का मामला, ये इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ के बाद ही संभव है। अभी तो कोई फिरौती मांगी, दोबारा जोड़ो। तो ऊपर रखा है मेरा।